संसद में भी केजरीवाल, तभी दिल्ली होगी और खुशहाल। 7 जन्म तक भी दिल्ली वालों की सेवा करता रहूं तो उनके एहसान नहीं चुका सकता मैं। आज मैं अकेला लड़ रहा हूं इन लोगों से, एलजी से अकेला लड़ रहा हूं, बीजेपी वालों से अकेला लड़ रहा हूं, इन 7 सांसदों से अकेला लड़ रहा हूं। जैसे आपने विधानसभा में मेरे हाथ मजबूत किए, अब संसद में मेरे हाथ मजबूत करो। संसद में मेरे को 7 MP दे दो जो इंडिया गठबंधन के हैं, 7 MP दे दो। संसद में भी केजरीवाल, जी हाँ, इसी नारे के साथ आम आदमी पार्टी ने लोकसभा चुनावों के लिए अपने कैंपेन का लॉन्च कर दिया है। आप देख रहे हैं दिल्ली तक, मैं हूँ आपके साथ अनुराधा तंवर। लोकसभा चुनावों को लेकर आम आदमी पार्टी अपनी रणनीति पर काफी तेजी से आगे बढ़ रही है और इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी की ओर से उनका लोकसभा चुनावों के लिए कैंपेन भी लॉन्च कर दिया गया दिल्ली में। दिल्ली में कैंपेन लॉन्च के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय, संदीप पाठक जो कि आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं, उनको चाणक्य भी कहा जाता है, रणनीति भी वो बनाते हैं, वो तमाम लोग मंच पर नजर आए। लेकिन साथ ही साथ जिस तरीके से नारा दिया गया है कि संसद में भी केजरीवाल, इसी नारे को अब अलग अलग राज्यों में लेकर आम आदमी पार्टी जाएगी। लॉन्चिंग के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से ये नारा लगाया गया और साथ ही उन्होंने अपने कैंपेन का लॉन्च भी किया। हमारा लॉन्च का स्लोगन है, संसद में भी केजरीवाल, तभी दिल्ली होगी और खुशहाल। आज से 12 साल पहले आम आदमी पार्टी बनी थी और लगभग 10-11 साल पहले दिल्ली के लोगों ने ढेर सारा प्यार देके, विश्वास करके, हम लोगों को भारी बहुमत देके जिताया था, आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई थी। हम बहुत छोटे लोग हैं, मामूली लोग हैं, लेकिन दिल्ली के लोगों ने जितना प्यार और विश्वास हमें दिया है और इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी, मैंने हमेशा कहा है कि मैं दिल्ली के लोगों का हमेशा एहसानमंद रहूंगा कि इस छोटे से आदमी को इतनी बड़ी जिम्मेदारी देके इतनी बड़ी कुर्सी पे बिठा दिया। 7 जन्म तक भी दिल्ली वालों की सेवा करता रहूं तो उनके एहसान नहीं चुका सकता मैं। तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी मिलकर लोकसभा का चुनाव लड़ रही है और यही वजह है कि अपनी पार्टी के इलेक्शन कैंपेन के लॉन्च के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता से इंडिया गठबंधन के 7 उम्मीदवारों को जिताने की अपील की है, उन्हें वोट देने की अपील की। लेकिन साथ ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सांसदों पर जमकर निशाना साधा। आपको बताते हैं कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस दौरान जो अपना स्पीच दिया, अपना भाषण दिया, उस दौरान उनकी तरफ से बीजेपी पर जमकर हमला बोला गया। ये तक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से कहा गया कि अब आप संसद में भी मेरे हाथ मजबूत कीजिए ताकि जो आपके काम रोके जाते हैं उन कामों को रोका ना जा सके। संसद में जो आम आदमी पार्टी के और कांग्रेस के यानी कि इंडिया गठबंधन के जो सांसद होंगे वो आपके मुद्दे उठाएंगे, चाहे DDA का मुद्दा हो, चाहे दिल्ली पुलिस से जुड़ा कोई मुद्दा हो, ये तमाम बातें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से की गई। आज मैं अकेला लड़ रहा हूं इन लोगों से, एलजी से अकेला लड़ रहा हूं, बीजेपी वालों से अकेला लड़ रहा हूं, इन 7 सांसदों से अकेला लड़ रहा हूं, केंद्र सरकार से अकेला लड़ रहा हूं। आप मेरे को बेटा मानते हो, आपने मेरे को बेटा बोला है, अगर आपने मेरे को बेटा बोला है तो अपने बेटे को अकेला तो नहीं छोड़ोगे इस तरह। आज मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, अपील कर रहा हूं कि अपने बेटे को मजबूत करो। आपने मेरे को 70 में से एक बार 67 सीट दी, मेरे को मजबूत किया। दूसरी बात, 70 में से 62 सीट दी, मेरे हाथ मजबूत किए विधानसभा के अंदर। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं। आज ये जो मैं इनसे लड़ पा रहा हूं थोड़ा बहुत, ये इसी वजह से लड़ पा रहा हूं, जो भी थोड़े बहुत काम कर पा रहा हूं इसी वजह से काम कर पा रहा हूं, क्योंकि आपने इतना भारी बहुमत दिया था। अगर आपने 70 में से 40 सीट दी होती
ये बीजेपी वाले सरकार तोड़ देते, गिरा देते, खरीद लेते, डरा देते मेरे एमएलए को। ये तो आपकी दुआ है, आपकी कृपा है, आपका आशीर्वाद है, आपका प्यार है कि आपने 70 में से 62 सीट दी। इसी तरह से जैसे आपने विधानसभा में मेरे हाथ मजबूत किए, अब संसद में मेरे हाथ मजबूत कर दो। संसद में मेरे को 7 MP दे दो जो इंडिया गठबंधन के हैं, 7 MP दे दो। ये 7 MP मेरे 7 बड़े बड़े हाथ बन के काम करेंगे। अगली बार LG काम रोकेगा, ये 7 काम करा के लाएंगे। अगली बार अगर केंद्र सरकार काम रोकेगी, ये 7 काम रोक के काम करवा के लाएंगे। अगली बार संसद के अंदर आपके हक मारे जाएंगे, ये 7 MP संसद में उठ के आपकी आवाज बनेंगे। मैं आज आपसे यही मांगने के लिए आया हूं, ये 7 MP अगर हमारे आ गए तो आपके बेटे के हाथ मजबूत होंगे, किसी की हिम्मत नहीं होगी कि आपके काम रोक पाए। तो लोकसभा चुनावों के मद्देनजर आम आदमी पार्टी अब मैदान पर उतर चुकी है, शंखनाद हो चुका है उनके इलेक्शन कैंपेन का, और खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं, उन्होंने इलेक्शन कैंपेन का लॉन्च किया और दिल्ली वालों से इस बार लोकसभा में इंडिया गठबंधन के लिए 7 सीटें मांगी हैं। दिल्ली से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।